के अक्सर बना कांग्रेस के गले की फांस। क्या इसके अक्सर से निपट पाएगी हरियाणा कांग्रेस? ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। हरियाणा कांग्रेस का अंदरूनी कलह किसी से छिपा नहीं है, रह रहकर बार बार ये कलह बाहर आ जाता है और घर की लड़ाई चौराहे पर आ जाती है। ताजा मामला राज्यसभा चुनाव का है, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसमें कि दोनों ही के ने कांग्रेस की लंका लगा दी और कांग्रेस इतनी मजबूर है कि चाहकर भी इसके अक्सर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि ये के अक्सर क्या है और कांग्रेस की लंका इसके अक्सर ने कैसे लगा रखी है, एवं कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस के अक्सर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। के अक्सर का मतलब हरियाणा कांग्रेस के बड़े दो नेताओं से है, जिनका नाम के अक्सर से शुरू होता है, यानी कि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा से अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कांग्रेस की लंका उसके अपनों ने ही लगा दी। कुलदीप बिश्नोई का तो उसी समय साफ हो गया था कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की है, लेकिन किरण चौधरी पर संशय बना हुआ था, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन ने ये कहकर कर दिया कि किरण चौधरी ने उनके पक्ष में वोट नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को सता रहा है डर। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि हरियाणा में ये दोनों ही नेता अपने अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, कहीं कांग्रेस का वोट बैंक खिसक ना जाए। वहीं कुलदीप बिश्नोई अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है या कांग्रेस खेल रही है चाल? कांग्रेस चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई खुद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दें, ताकि उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली जाए। लेकिन अगर कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर करती है तो कुलदीप बिश्नोई विधायक बने रहेंगे और इस परिस्थिति में उपचुनाव नहीं होंगे। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही कांग्रेस चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई खुद ही पार्टी से इस्तीफा दें। हर चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं और यही बात हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अक्सर से निपट पाएगी, या फिर ऐसे ही गले की फांस बनी रहेगी, या ये के अक्सर कांग्रेस को ही निपटा देगा।